नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नाइन भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। करोड़पति बनना कौन नहीं चाहता, लेकिन जरा सा लालच लोगों को करोड़पति बनाने की बजाय उन्हें कंगाल भी कर देता है। ताजा मामला आजमगढ़ की रानी की सराय थाना क्षेत्र के जलाईपुर गांव का है, जहां के रहने वाले राजेश सिंह जो एक प्राइवेट कर्मचारी हैं, उनके मोबाइल पर विगत 17 फरवरी को कौन बनेगा करोड़पति एपिसोड के नाम से कॉल आती है और उन्हें बताया जाता है कि आपके मोबाइल नंबर पर लॉटरी निकली है और आप विनर हो गए हैं, इसके लिए आपको 25 लाख रुपए दिए जाएंगे। इतना सुनते ही पीड़ित राजेश सिंह की खुशियों का ठिकाना नहीं रहा और उन्होंने रकम पाने की प्रक्रिया की जानकारी दी, जिसके बाद ठगों ने अलग अलग किस्तों में कुल 36,200 रुपए अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा लिए। इधर पीड़ित राजेश सिंह अपने अकाउंट में 25 लाख आने का इंतजार कर रहे थे। काफी टाइम बीत जाने के बाद भी जब अकाउंट में पैसे नहीं आए, तब थक हार कर पीड़ित एसपी ऑफिस पहुंचा और एक शिकायती प्रार्थना पत्र सौंपा। पीड़ित ने एसपी से ठगों पर कार्रवाई कर पैसे वापस दिलाने की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, अमित खरवार। क्या नाम है आपका? सर राजेश सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? सर आजमगढ़ जलाईपुर ऊंचे गोदा थाना रानी की सराय। क्या मामला है आप? सर मामला ये है कि मेरे पास 17 तारीख को शाम को 6:30 बजे एक कॉल आया केबीसी, जिसने अपना नाम बताया विजय कुमार। उसने मुझे एक नंबर दिया जो बोला कि राणा प्रताप सिंह जो अमिताभ बच्चन साहब के राइट हैंड है, जो हेड कैशियर, उनका मुझे नंबर दिया गया, उनसे बात किया गया। उन्होंने मुझे बोला कि आपकी 25 लाख रुपए की लॉटरी आ रही है आपके नंबर पे। मुझे एक अकाउंट नंबर भेजा गया राणा प्रताप जी ने दिया, उनका नाम था अरुण कुमार। उनके अकाउंट में 11,200 चेक का टैक्स जमा करवाया गया। उसके बाद ठीक 5 मिनट बाद एक कॉल राणा प्रताप जी का फिर आया, 25,000 रुपये इनकम टैक्स जमा करवाया गया, क्योंकि आपकी इतनी बड़ी रकम है, ये कहकर 25,000 उन्होंने जमा करवाया कि आपके अकाउंट में चला जाए प्रॉपर करो। उसके बाद फिर राणा प्रताप जी का फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि आपका अकाउंट बहुत छोटा है, सेविंग अकाउंट है, आपको जनरल अकाउंट करवाने के लिए आपको 50,000 रुपये का टैक्स देना पड़ेगा, ये अमाउंट आप पेड कर दीजिए, जिसके तहत आपके अकाउंट में 25 लाख रुपये का चेक क्रेडिट कर दिया जाएगा विद इन 5 मिनट। उसके बाद आज सुबह फिर मेरे पास कॉल आई है कि सर आप पैसे का व्यवस्था करके जमा करवाइए और आपके अकाउंट में 25 लाख रुपए दे दिया जाएगा। मैं सर एक स्टूडेंट होने के नाते फिर भी मैं समझ नहीं पाया, क्योंकि केबीसी मोदी साहब और अमिताभ बच्चन साहब के साजिश से ये कार्य अगर हो रहा है, ये बिल्कुल गलत है। और मैं इसलिए चाहता हूँ कि अब मैं तो फंस गया हूँ, बाकी आगे और कोई मेरा भाई इस झांसे में ना फंसे। और पुलिस प्रशासन अध्यक्ष जी से मैं निवेदन करता हूँ कि जो मेरे पैसे गए हैं उसे कड़ी से कड़ी सजा उनको देने की कृपा करें और मेरे पैसे वापस करवाने के निर्देश करें।